Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Gorsodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. How are you all guys? I hope आप सब अच्छे होंगे. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको आपकी रीडिंग्स में सही गाइडेंस मिल पाती है, आपसे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं. सो गाइज, आज की जो हम रीडिंग करेंगे वो 11-11 पोर्टल के ऊपर करेंगे. 11-11 पोर्टल ओपन हो रहा है आज. आप सबको पता है 11 तारीख है और नवंबर का महीना है जो कि 11वां महीना है. तो 11-11 पोर्टल आज ओपन हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है. और क्या चेंजेस लेकर आने वाला है आपके लव लाइफ में वो भी हम देखेंगे, डिटेल में देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर, इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू. ओके गाइज, तो 11-11 बहुत पावरफुल नंबर है. आप सबको पता है जब भी हम इस नंबर को देखते हैं आपको बोला जाता है कि अपनी विश मांगिए, क्योंकि इस टाइम पर आपकी सारी विशेज, जो भी अच्छे मन से मांगी हुई विशेज होती हैं, वो ज़रूर पूरी होती हैं. जब भी हम इस टाइम पर अपना फ़ोन में, हमारा ये जब टाइम हो रहा होता है, फ़ोन हाथ में होता है और 11-11 हो रही होती है, एकदम से हमें विश मांगनी चाहिए और हम मांगते भी हैं. तो अच्छे मन से मांगी हुई विशेज ज़रूर उस टाइम पर पूरी होती हैं. तो वही पोर्टल यहाँ पर आज ओपन हो रहा है. एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उस टाइम पे. आप प्रोटेक्टेड होते हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं एंजल्स के थ्रू. तो गाइज, यही पोर्टल आज ओपन हो गया है और ये पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, उसके लिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं. सो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, ज़रूर करिएगा. जो भी लोग ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, जब भी उनको कोई चीज़ से कुछ ज्ञान मिलता है या फिर कोई चीज़ से उनको फ़ायदा होता है, तो वो अपने लिए ही नुकसान करते हैं, वो किसी के लिए नुकसान नहीं करते हैं. कुछ लोग सोचते हैं ना, हम सामने वाले को क्यों प्रेज़ करें, हम उसको क्यों अच्छा बोलें, तो उसमें आप अपने ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हो. उसने तो आपको जो सिखाना था सिखाकर चला गया, बट आपने उसके लिए क्या किया, कुछ भी नहीं, तो वो आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया. इसलिए कहा जाता है जब भी आप किसी से कुछ सीखें, आप उसको ज़रूर उसके लिए थैंकफुल हों, ग्रेटफुल हों, ग्रैटिट्यूड दिखाएं. और इससे आप कम नहीं हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, शायद आपको पता भी नहीं आपको कितना मिलेगा. तो गाइज़, हमेशा एक गुरु जो होता है उसके लिए आपको हमेशा आभारी होना चाहिए और उसके कहे बिना ही आपको उसके लिए करना चाहिए. ये सिर्फ मैं स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी आम जिंदगी के लिए भी बोल रही हूँ. जिन भी कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके लिए बहुत करता है या फिर जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, आप उसके लिए ज़रूर ग्रेटफुल हों, थैंकफुल हों. अपनी लाइफ में उस दिन के अंदर क्या अच्छा हुआ है उस चीज़ के लिए भी बहुत आपको ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करती है. इसी पॉजिटिव नोट से मैं रीडिंग को स्टार्ट करना चाहती हूँ गाइज. ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, उसको ये बातें ऐसी लग सकती हैं कि पता नहीं क्या बोल रही हैं ये, बट एक्चुअली अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाती है गाइज, बिलीव मी. ओके गाइज, तो अगर हमको जो है ना सक्सेसफुल होना है लॉन्ग टर्म में, तो हमको ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपनानी ही पड़ती हैं अगर हमको असली मायने में अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है. सो गाइस, अब स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से. आपकी लव लाइफ में इस 11-11 पोर्टल में क्या पॉजिटिव होने वाला है, 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है, आपकी स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए मैं यहाँ पर जो है देख रही हूँ, आपकी लव लाइफ के लिए मैं यहाँ पर जो है देख रही हूँ. सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. थैंक यू सो मच, थैंक यू. क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में? थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, थैंक यू सो मच. रीयूनियन सबसे पहला चेंज जो दिख रहा है, जो भी लोग सेपरेशन में हैं रीयूनाइट होंगे, वो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे रीयूनियन सुन रहा है, रीयूनियन दिख रहा है, रीयूनाइट होंगे आप लोग. और जो अकेलापन आपको बहुत समय से फील हो रहा था ना कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बहुत डार्क है, बहुत डल है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, मेरे जिसके साथ भी मेरा दिल लगता है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है या फिर कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में आ जाता है, वो
जो प्रॉब्लम है आपकी वो इस 11/11 पोर्टल में दूर होने वाली है गाइज। और कुछ लोगों के जैसे मुझे दिख रहा है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आपके सॉल्व हो सकते हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे। आपकी लव लाइफ के अंदर गाइज मुझे दिख रहा है अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो उनके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिखर गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली हैं। पॉजिटिविटी आती दिख रही है गाइज, डेफिनेटली मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी आती दिख रही है आपके अंदर। इतना सुंदर चेंज आने वाला है मैं आपको बता नहीं सकती। जिन चीज़ों के आपके पास, जिन बातों के सवालों के जवाब नहीं थे ना, कुछ ऐसी बातें थी जिनका आपको हमेशा से आंसर्स चाहिए थे, आपको चाहिए था ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे आंसर दो, वो आपकी आंसर्स आपको मिलेंगे गाइज। कुछ मैसेज आ सकता है आपके पर्सन से आपको इस 11/11 पोर्टल के बाद। अगर आपको कोई फेदर्स दिख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सुंदर साइन है गाइज, बहुत ही सुंदर साइन है आपके लिए वो। आप बर्ड्स को फीड करिए इस दौरान पे, अगर आप बर्ड्स को कुछ बाजरा देते हैं या कुछ भी दे सकते हैं अगर आप उनके लिए खाने के लिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपकी जो भी विश है ना, आप उनको ज़रूर बोलें कि ये मेरी विश है और उनको खाना दें आप, आपकी वो विश भी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत बर्ड्स आपको दिख रहे होंगे या फिर उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कोई मैसेज आता हुआ दिख रहा है मुझे उनकी तरफ से इस 11/11 पोर्टल के खुलते ही। गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपनी फैमिली के कारण कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैमिली इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं उनकी फैमिली के साथ जो है इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है गाइज। आपको बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे होंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बर्ड्स आपको कुछ दिख रहे हैं और ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और जो भी ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही जल्द आपको ये खुद से बोलेंगे, अपने मुंह से आपको आकर वो बातें आपको बोलने वाले हैं ये पर्सन। एन नाम से, एन अक्षर से, टी अक्षर से आपके पर्सन का नाम या सरनेम हो सकता है गाइस। रीयूनियन बिल्कुल आपका लिखा हुआ है, रीयूनियन आपका होने वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है गाइज। और ये पर्सन हो सकता है कहीं दूर रहते हों और दूर से कहीं वो आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं, कहीं दूर से आपके पास आते हुए दिख रहे हैं आपको मिलने के लिए, आप मिल सकते हैं इस पर्सन से। जैसे कोई चीज़ें जो बहुत समय से बिखर गई थी ना, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर, आपने सोचा भी नहीं होगा। और आप खुद इतना प्यार करने लगेंगे इस पोर्टल के जैसे ही, जो इफ़ेक्ट्स हैं आपके लिए वो यही आ रहे हैं कि आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे, आपके माइंड में जो भी एंजाइटी थी बहुत समय से वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल सही तरीके से आप अपनी लाइफ में मूव करेंगे। ये पर्सन आपको अपनी दिल की बातें बोलेंगे, जो भी प्यारी बातें हैं जो इनके मन में चल रही हैं बहुत समय से आपको वो बोलेंगे। इन्होंने आपके बगैर कितनी हार्डशिप्स फेस करे हैं वो ये बताएंगे आपको गाइस। कोई नेगेटिव पर्सन आपके पास है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है, वो आप पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी एवलाए लगाए हुए हैं वो पर्सन। नेगेटिविटी मुझे डेफिनेटली आपके आसपास मुझे दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा दिख रही है मुझे।
आप मेडिटेशन करिए, वो आपको सारे आंसर्स वहाँ से मिल जाएंगे। मेडिटेशन आपको बहुत अच्छे से हील कर सकती है गाइज, आपने सोचा भी नहीं होगा, कुछ ही समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मेडिटेशन करते ही। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो आप क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं या आप क्रिश्चियन कोई पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। कुछ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी मुझे दिख रहा है, बट आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स खूब सारी हैं गाइज, आपको कोई छू भी नहीं सकता है। आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं मुझे, आपको कोई छू भी नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी आपका गलत करने का सोचे, वो आपको छू भी नहीं सकता है। आप बहुत ही क्रिएटिव हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी क्रिएटिव स्किल्स हैं आप उनको एनहांस करेंगे इस पीरियड में, और ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। रीयूनियन भी मुझे आप लोगों का जैसे मैंने बताया दिख रहा है, और आप कुछ समय के लिए ना, जिसे आपने हमेशा से सोचा होगा कि मेरे को थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड करना है, मुझे इसके साथ बाहर जाना है, मुझे इसके साथ ये करना है, वो विश मुझे एक ऐसी सॉलिड विश है आपकी जो मुझे फुलफ़िल होती हुई दिख रही है इस लव लाइफ के अंदर। कुछ लोगों ने कुछ वेकेशन या कुछ स्टेकेशन प्लान किया हुआ है, कहीं बाहर जाने जाकर रहने का प्लान किया हुआ है, वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए गाइस। नंबर दो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप किसी नंबर दो वाले से डील कर रहे हैं, या तो उनका बर्थडे 2nd को 11 को 20 को 29 को आता होगा, या आपका आता होगा, या आपकी एनिवर्सरी भी हो सकती है। नेगेटिविटी खूब सारी लगी हुई है आपको गाइज, देख रहे हैं आप इसको, खूब सारी नेगेटिविटी लगी हुई है। नंबर 3, 12, 21, 30 तारीख को भी इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है, एनिवर्सरी या ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है, या रीयूनियन भी इस टाइम में आपका हो सकता है। आप सब लोग, अगर मैरिज से रिलेटेड कोई आपके पेरेंट्स से रिलेटेड इशू था कि पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या फिर कुछ लोगों को फैमिली से रिलेटेड इशू आ रहा था, तो वो इशू भी मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। के अक्षर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, के अल्फाबेट्स आपके पर्सन का नाम हो सकता है या आपका हो सकता है, वो आपको इस इनिशियल के निकनेम से बुलाते होंगे। बट बहुत ही सॉलिड और खूबसूरत चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी केयर ये आपकी करने वाले हैं, आपको सुंदर सुंदर बातें ऐसी बोलने वाले हैं जो इनके मन में आपके लिए हैं, और बहुत सारा एप्रिसिएशन मुझे इस पर्सन की तरफ से आपके लिए दिख रहा है। आप बोलोगे कि अरे तुम इतना कैसे बदल सकते हो, कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है इतने कम समय में, कैसे कोई कैसे चेंज हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे फिजिकली इतने फिट नहीं दिख रहे हैं, तो उन लोगों का जिम शुरू हो सकता है, और अगर इस समय पे आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कोई शुरू करी या फिर अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया और उसके लिए कुछ भी शुरू किया, तो उसके रिजल्ट्स इतने खूबसूरत होंगे कि आपका एक अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोग जो फैट लॉस करना चाहते हैं, अपने वेट से परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर रिजल्ट्स दिख रहे हैं गाइज। मैं आपको वैसे भी जो टिप्स मुझे दिख रही हैं ना, वो मैं आपको देती जा रही हूँ, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका अब जब रीयूनियन होगा ना गाइज, ये इस दौरान, तो ये आप अलग नहीं होंगे इसके बाद, ये लंबे टाइम तक आप साथ रहेंगे, और जो भी लोग बीच में हैं इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, बट फिर भी चले जाएंगे वक्त के साथ, ये भी हो जाएगा। कोई गाड़ी आपको आप ले सकते हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के थ्रू कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट ये पर्सन आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा कैंडल लाइट डिनर मुझे दिख रहा है, या तो ये पर्सन आपको कैंडल लाइट डिनर भी करा सकते हैं, कहीं दूर लेके जाएंगे या तो लॉन्ग ड्राइव पे। कुछ रोमांटिक चेंजेस, रोमांटिक
जैसे इनका एक अवतार जो है ये निकल कर बाहर आने वाला है इनका ये। बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दौरान गाइस, बहुत ही ज्यादा। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिटनेस की तरफ अगर इस टाइम पे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है आप लोगों की लाइफ के अंदर। ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे, रियूनाइट होंगे, आप बाहर जो है कहीं घूमने जा सकते हैं, इंजॉय करने जा सकते हैं। और अब ये जब वापस आएंगे तो फिर आप लोग अलग नहीं होंगे, क्योंकि मुझे इस टाइम पर बहुत लोग डिप्रेशन में दिख रहे हैं, बहुत लोग जेलस दिख रहे हैं, जेलस जैसे आपसे आपके रिश्ते से बहुत लोग जलते होंगे। तो उन लोगों का भी जो है ना, वो लोग भी बेनकाब हो जाएंगे कि जो लोग आपसे जलते हैं, आपके रिश्ते से जलते हैं, उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी ऐसी हिडन बातें हैं, इतनी ऐसी हिडन चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर जो शायद कि आपको नहीं पता या इनको नहीं पता, तो इनको भी वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि इस रिश्ते में कैसे लोग थे जो कि एक मुखौटा पहनकर बैठे हुए थे और उन्होंने इस रिश्ते को कितना ख़राब किया। इस दौरान जो है आपको ये चेंजेस भी दिखने को मिल सकते हैं। कोई भी नया काम आप शुरू करेंगे इस टाइम पर आपका पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को, एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के लिए या कोई कोर्स करने के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कार्ड से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप मुझे डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको हर तरीके से हेल्प करता है, अगर आप पर्सनली अपने लिए करना चाहते हैं या फिर आप लोगों की हेल्प के लिए करना चाहते हैं या आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, आपको हर तरीके से ही इससे बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच करिए इसके लिए। और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में गाइज, बाय।